साधारण नंद और यशोदा की अंश होने के बाद भी इस एकांगा में इतनी अमानवीय शक्तियां कैसे? मैं जानता था कंस, इस संसार में धर्म और आस्था की स्थापना के लिए विष्णु एक अवतार लेने वाला है। पर आप तो नास्तिक है रहे हो, आप तो भगवान को मानो ही ना। तेरी इस जिज्ञासा का उत्तर मैं दूंगा भद्राक्ष। ऋषि चार्वाक उस छलिए को ईश्वर नहीं मानते, किंतु उसके छल को पहचानते हैं। ये नास्तिक इसलिए हैं क्योंकि ये जानते हैं ईश्वर और आस्था से अधिक इस संसार में कुछ भी अहितकर नहीं है। क्यों ऋषि? भगवान, अब मुझे ये बात समझ में आ गई। आस्था को समाप्त करने के लिए जे ऋषि बकबक के पास जे ही एक रास्ता बचो थो, अकांगा। सही कही? इसीलिए मैंने एकांगा को वो शक्तियां प्रदान की जो आस्तिकता के विनाश का कार्य करती है। इस संसार में विराजमान समस्त नकारात्मक शक्तियों, आज मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं, आओ और एकांगा को अपनी शक्तियां प्रदान करो। अपनी आंखें खोलो एकांगा, ये था नास्तिकता का पहला कार्य। जो कार्य मैं अपने तर्क से नहीं कर सका उसे अब एकांगा करेगी। एकांगा ही इस समस्त संसार से आस्तिकता को सदा सदा के लिए समाप्त कर देगी। तो जन्म से ही आपने उस एकांगा को इस कार्य के लिए तैयार किया है? हाँ कंस, अब मुझे विश्वास होने लगा है कि भगवान कंस की आत्मा का तीसरा भाग ये एकांगा उस कान्हा के हृदय में स्थापित कर देगी। किंतु भगवान, उसके लिए तो सबसे पहले आपकी इस पवित्र आत्मा को विभाजित करना पड़ेगा। मैंने कछु गलत कही? इसका उपाय है मेरे पास कंस, आओ मेरे साथ। गोपी, तुम्हें पता है दिवाली का महोत्सव वर्ष में केवल एक बार ही आता है। अच्छा हुआ जो तुमने हमें बता दिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा गोपी, आप थाल टने आगे करो, क्योंकि हम भी वर्ष में एक ही बार रंगोली बनाते हैं। गोपी, तुम कितनी भी अच्छी रंगोली बना लो, किंतु सारी मिठाई तो मैं ही खाने वाला हूँ। और तुम्हें तो मैया के हाथों के बने हुए लड्डू पेड़ चखने को भी नहीं मिलेंगे। वाले मन ही मन तुम चाहे जितने भी लड्डू खा लो, किंतु यशोदा काकी हमें मिष्ठान ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। गोपी, तुम्हें पता नहीं इस दिवाली तो देवी लक्ष्मी बनोगी और तुम तो बस बैठे बैठे लड्डू पेड़े देखती रहोगी। क्या? क्योंकि देवी को प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग नहीं लगाते। यदि ऐसी बात है तो क्यों बने हम देवी? हम तो राधा ही ठीक है। काकी, हमने निर्णय कर लिया है कि हम देवी लक्ष्मी नहीं बनेंगे। अरे क्यों राधा बिटिया, गुरुदेव ने देवी लक्ष्मी बनने के लिए तुम्हें चुना है। ऐसा सौभाग्य किसी किसी को ही मिलता है। नहीं नहीं काकी, जब हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हमें देवी लक्ष्मी बनने का क्या लाभ? हम तो राधा ही ठीक है, जा रहे हैं हम। अरे राधा बिटिया सुनो तो। राधा बिटिया, कहाँ जा रही? ये देखो, हमारी मैया ने स्वयं तुम्हारे लिए ये वस्त्र भेजे हैं, तुम्हें लक्ष्मी देवी बनाने के लिए। और तुम्हारे पिता विश्वभानु तुम्हें जन्म से ही लक्ष्मी माता का रूप मानते हैं,
और तुम नहीं जानती हम सबको कितनी लालसा है तुम्हें लक्ष्मी माँ के रूप में देखने की। काका, किंतु हमें तो ऐसी कोई लालसा नहीं। परंतु क्यों? काका, सारे लड्डू खाए ये ग्वाले और हम देवी बनकर देखते रहे। नहीं काका, ये इस ग्वाले की षड्यंत्र है। राधा बिटिया मेरी बात। अरे सुनो लल्ला, क्यों तंग करता रहता है राधा बिटिया को? मैंने क्या किया, मैं तो यही बोल रहा था। सब समझती हूँ मैं, बहुत रुष्ट कर दिया है तुमने राधा बिटिया को, अब कैसे मनाएंगे? पढ़े आए हमें देवी लक्ष्मी बनाने वाले, क्यों बने हम माता लक्ष्मी? जब हमें मिष्ठान ही नहीं मिलेगा, दीपावली में कुछ नहीं खाए तो और क्या खाया? नारायण नारायण, माते आपकी भी लीला न्यारी। देवी राधा जो स्वयं आप ही की अवतार है, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार, आज वही आपके रूप को धारण करने से मना कर रही है। माते आप तो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है, सारे संसार का भरण पोषण आप ही करती, किंतु आज आप स्वयं के मिष्ठान के लिए चिंतित है। माते धन्य है आपकी लीला, धन्य नारायण नारायण। हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास 1,00,000 गई है और इसलिए दीपावली पे सबसे अधिक मिष्ठान हम ही खाएंगे। राधा, गुरुदेव आप? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव अब आप कुछ भी कहें, किंतु हमने निर्णय कर लिया है कि हम लक्ष्मी माता नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। राधा, आपको माता लक्ष्मी बनने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो स्वयं देवी लक्ष्मी हैं। गुरुदेव आप ग्वाले जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? ग्वाला भी हमें देवी का रूप बताता रहता है, परंतु ये बात हमें समझ नहीं आई। आपके पिता कहते हैं ना कि हमारी बिटिया देवी लक्ष्मी का रूप है। हाँ गुरुदेव, बाबा कहते हैं, किंतु इसलिए क्योंकि वो माता लक्ष्मी के भक्त हैं। आपके माता पिता की, कान्हा की, मेरी और सभी ब्रजमंडल वासियों की श्रद्धा है कि वो तुम में देवी लक्ष्मी का रूप देखते हैं, और एक मनुष्य के रूप में हमें सबकी श्रद्धा का मान रखना चाहिए। किंतु गुरुदेव, यदि आज हम देवी लक्ष्मी बने तो वो ग्वाला सारा मिष्ठान अकेले अकेले खा जाएगा। राधा, दीपावली के उत्सव में देवी लक्ष्मी सबसे महत्वपूर्ण देवी होती हैं। यदि तुम देवी लक्ष्मी का रूप धारण करती हो तो तुम्हारी इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, कान्हा भी तुम्हारी बात मानेगा। नारायण नारायण, माते अब तो हाँ कर दीजिए, क्योंकि ये सारा संसार देवी राधा को माता लक्ष्मी के रूप में देखने के लिए ललायित है। ठीक है गुरुदेव, यदि आप कह रहे हैं तो हम लक्ष्मी माता का रूप अवश्य धारण करेंगे। वृंदावन, मुझे त्यागने वाले इसी वृंदावन में रहते हैं। यही रहते हैं वो लोग जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। मेरा क्रोध, मेरा द्वेष और मेरी घृणा के कारण यही बसते हैं। और आज उन्हीं के दिए हुए क्रोध से मैं संपूर्ण वृंदावन का विनाश कर दूं, विनाश कर दूं, विनाश, विनाश, विनाश। नारायण नारायण, माते एक और दीपावली का उत्सव है और दूसरी ओर इतना बड़ा संकट। एक ओर देवी राधा साक्षात आपका रूप धारण करने जा रही और दूसरी ओर एक कांगा ने संपूर्ण वृंदावन के विनाश का निर्णय ले लिया, ये कैसे विडंबना है माते? देव ऋषि, दीपावली केवल शुभ का ही नहीं अपितु मिलन का भी उत्सव है। आज ही के दिन प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अपने परिजनों से मिले थे
उसी प्रकार एकांगा भी आज अपने परिजनों से मिलेगी। किंतु माते, एकांगा अपने परिजनों के लिए संकट बनकर लौट रही है, ये संकट कैसे दूर होगा माते? एकांगा शुभ है या संकट है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कमलेश्वरी नारायणी ऐश्वर्य वैभव महालक्ष्मी सिंधु सुता बागेश्वरी सुर सुंदरी धनलक्ष्मी। नारायण नारायण, प्रभु कितना सुंदर दृश्य है। आज देवी राधा ने साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सुर पूजिते चंक चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मे नमस्तुते। श्रीपीठ पर स्थित देवताओं से पूजित होने वाले हे महामाये, आपको प्रणाम। शंख चक्र गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ देवी, आपके लक्ष्मी के रूप को देखने के लिए तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। आइए देवी। माता लक्ष्मी की स्थापना हो गई है, अब हम सब मिलकर माता लक्ष्मी की आरती गाएंगे। जी। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी हमारे घरों में प्रवेश करते हैं, इसीलिए हमें अपने घरों के द्वार और खिड़कियां खुले रखने चाहिए। हम माता लक्ष्मी की आरती प्रारंभ करें। लक्ष्मी माता की।
इन ही वृंदावन वासियों में कोई ना कोई मेरी जन्मदात्री और मेरे जन्मदाता होंगे। सबसे पहले मुझे उन्हें ढूंढना होगा। किंतु मुझे ये कार्य गुप्त रूप से करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे आने की सूचना पाकर मेरे वो शत्रु मेरे माता पिता वृंदावन छोड़कर ही भाग जाएं। गुरुदेव, दीपावली तो दियों का उत्सव है और ये सारे दिए अचानक बुझ गए, ये कैसा अपशगुन है? नंदरानी, दीपावली का दिन है ही इतना पावन कि कोई भी आसुरी शक्ति हम के प्रतीक इन दियों के समीप नहीं आ सकती। गुरुदेव, इस प्रकार इन दियों का बुझना ये कोई अनर्थ का संकेत तो नहीं? नंद, किसी भी कारणवश ये दिए बुझे हो, किंतु हमें इन्हें पुनः प्रज्वलित करना चाहिए। एक ओर तो ये दिए बुझ गए और दूसरी ओर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे कोई मेरा बहुत अपना मेरी ओर आ रहा है। कि कैसा विरोधाभास है। मुझे तो मुझे, परंतु ये जल क्यों नहीं रहे हैं? कान्हा, तुम वहां खड़े खड़े मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम भी क्यों नहीं प्रयास करते? दाऊ, तब ये दिए आपसे नहीं जल रहे तो ये दिए पर आप मुझसे कैसे जलेंगे? नारायण नारायण, माते, अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि इन शुभ दियों के बुझने का कारण केवल एक कांगा है, किंतु एक कांगा ने तो अभी तक अपने किसी भी शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं, तो ये कैसे संभव हुआ माते? देवऋषि, एक कांगा के भीतर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका प्रयोग ही नहीं, उनका होना ही शुभ की समाप्ति का सूचक है। नारायण नारायण, किंतु माते, परम अवतार श्री कृष्ण की बहन एक कांगा में ऐसी कौन सी नकारात्मक शक्तियां हैं? देवऋषि, अभी एकांगा के भीतर अलक्ष्मी, अनास्था, अशुचिता और औघर, ये चारों नकारात्मक शक्तियां एक साथ विद्यमान हैं। नारायण नारायण, माते, यदि इन चारों नकारात्मक शक्तियों के मात्र होने से दीपावली के शुभ दिए बुझ जा रहे हैं, तो तब क्या होगा माते? जब एकांगा इन नकारात्मक शक्तियों का सीधा सीधा किसी पर प्रयोग करेंगे, उसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। देवऋषि, भयंकर हो सकता है। नारायण नारायण, कान्हा, इन दियों को किस प्रकार जलाया जाए? दाऊ, मैया कहती है जो कार्य असफल हो रहे हो वो हमें ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करना चाहिए। अर्थात? दाऊ, हमें लक्ष्मी माता की आरती करते हुए इंद्रियों को जलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब कोई कार्य ईश्वर के आशीर्वाद से किया जाता है तो कभी भी असफल नहीं होता। गाना सत्य कह रहा है, हमें देवी लक्ष्मी की आरती करते हुए इंद्रियों को प्रज्वलित करना चाहिए।
प्रभु माते, संसार में चाहे कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्तियां क्यों ना, किंतु जहां मेरे नारायण और माता लक्ष्मी का वास हो, जहां आप दोनों उपस्थित हो और जहां आपके भक्ति की ज्योत जल रही, वहां किसी भी नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव हो ही नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? ये बुझे हुए दिए अचानक से जल कैसे गए? लगता है यहाँ मेरे अलावा कोई और भी शक्ति उपस्थित है। अब मुझे अपने जन्मदाता को ढूंढने के साथ ही उस शक्ति का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। भक्तों, देवी लक्ष्मी की कृपा से संकट टल गया। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि संकट नहीं बल्कि कुछ और ही प्रभाव था, क्योंकि मुझे किसी अपने के आने का आभास हो रहा है। आरती कीजिए लक्ष्मी माता की, आरती कीजिए लक्ष्मी माता की, आरती कीजिए लक्ष्मी माता की, यश कीर्ति वही। लक्ष्मी देवी की आरती के समय वो गोपी इस कली में क्या कर रही है? आरती कीजिए लक्ष्मी माता की। ये वही तो नहीं इसका मुझे आभास हो रहा था। कोई तो है जो मेरा आत्मीय है, मेरा बिछड़ा हुआ सहोदर, और यदि वो वृंदावन आया है तो मुझे उससे मिलना ही होगा।